am introducing now is the most important part of this chapter, and this is called as Archimedes principle. सुना है ना आपने? चलिए मैं आपको लिख देता हूं स्टेटमेंट. When a body is partially or fully submerged in a liquid, मतलब आप फुली या पार्शियली एक बॉडी को यदि लिक्विड में सबमर्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स. देन इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड एज बॉइंट फोर्स, ठीक है, which is equal to weight of liquid displaced by the body. Yes. ठीक है, कहने का मतलब कि यदि एक लिक्विड है उसके अंदर आपने एक बॉडी को सबमर्ज कर दिया, इस बॉडी का वॉल्यूम भी है, मान लीजिए इस बॉडी का वॉल्यूम भी है, तो इस बॉडी पे एक नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा व्हिच इज कॉल्ड एज बॉइंट फोर्स. एमजी भी लग रहा होगा, बट एक नेट अपवर्ड फोर्स लिक्विड के कारण लग रहा होगा बॉडी पे, कॉल्ड एज बॉइंट फोर्स. The value of this point force is rho into V into G. That is weight of the liquid. Rho is density of liquid. V is volume of solid. Your volume of body. Yes. यदि आप partially submerge कर रहे हैं, let's say इस तरह से submerge किया आप, और ये जो वॉल्यूम है शेडेड पार्ट ये V1 है, तो बॉइंट फोर्स जो इस पे लग रहा होगा FB ऊपर की तरफ वो हो जाएगा V1 रो जी, बस सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम लेना है. एनी क्वेश्चन हियर? अब देखिए इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है. सपोज हमने एक कंटेनर लिया, कन्वीनियंस के लिए सपोज मैंने एक क्यूब ले लिया, ठीक है, थोड़ा अंदर ले लेते हैं, कहीं पे भी लीजिएगा पॉइंट फोर सेम होगा. मैंने एक क्यूब ले लिया, क्यूब के ये इसका डेप्थ h1 कह देते हैं, नीचे वाले डेप्थ को h2 कह देते हैं, राइट. तो यहाँ पे प्रेशर कुछ लग रहा होगा p2, और इधर की तरफ प्रेशर लग रहा होगा p1. सो फोर्स जो लग रहा होगा ऊपर F1, नीचे जो फोर्स लग रहा होगा F2, लिक्विड के कारण. सो नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड, नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड इज F2 माइनस F1, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट फोर्स. राइट, तो हॉरिजॉन्टल वाला तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास F2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेट से ए स्क्वायर, क्यूब का साइड है ए, तो ए स्क्वायर एरिया हो गया इनटू पी टू माइनस ए स्क्वायर इनटू पी वन. सो हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, पी टू माइनस पी वन हो जाएगा, सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर रो जी एच टू माइनस एच वन, और एच टू माइनस एच वन ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब रो जी, यस, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ. देखिए अब इसका एप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान से करना है. यहां से ही क्वेश्चन आ रहा हो तो एप्लीकेशन में क्या क्या है. इसका एक एप्लीकेशन है
टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑफ लिक्विड। राइट। इसका दूसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी। वो एक मेटल या कुछ भी सॉलिड पीस की और उसके अंदर में कैविटी छिपा हुआ है तो हम पता कर लेंगे कि वो कैविटी कितना बड़ा है। राइट। टू फाइंड कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन एन एलॉय। एलॉय जो होता है वो मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट होता है, तो किस रेशियो में किसी भी एलिमेंट में, जैसे एलॉय होता है ब्रास, सुना होगा आपने ब्रास, ब्रास इज एन एलॉय, ठीक है। सोल्डर जो होता है वो भी एलॉय होता है, टीन एंड समथिंग समथिंग का। देन देयर आर लेवल बेस्ड क्वेश्चन। लेवल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हुआ कि एक पानी है, उस पानी में आइस जो है फ्लोट कर रहा है, आइस मेल्ट हो गया तो पानी का लेवल बढ़ेगा या घटेगा। देन देयर आर क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्लोटेशन, कि बॉडी जो है वो फ्लोट कर रहा है तो उसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिचुएशन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमें करने हैं इस चैप्टर में, वी हैव टू डू दीज एप्लीकेशन इन दिस चैप्टर एंड दिस इज वेयर द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। स्टैटिक लिक्विड से पूछा जा रहा होगा, आई वांट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि देयर इज अ कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर का नीचे वाला सरफेस थोड़ा कर्व्ड है और ऊपर वाला सरफेस कर्व्ड नहीं है, ठीक है, इस तरीके का। गेटिंग गुराशिश, लिक्विड का डेंसिटी रो है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द lower surface of the block if its volume is b and upper surface has area a and at a depth h। यहां से अपर सरफेस जो है वो h डेप्थ पे है, वॉल्यूम v है, डेंसिटी d है, ऊपर वाले सरफेस का एरिया ea है, तो आपको बताना है फोर्स एक्टिंग ऑन द लोअर सरफेस ड्यू टू लिक्विड। सो दिस विल बी द फोर्स एक्टिंग, क्योंकि हमें पता है कि यदि यहाँ पे f2 लग रहा है, ऊपर f1 लग रहा है, तो f2 minus f1 is the buoyant force। So F2 is equal to FB plus F1. Fine.